क्या करेंगे, इस इधर में हम लोग इसको लिफ्ट करेंगे एंड इसको लिफ्ट करके अंदर क्या करेंगे, ये ओवरलैपिंग टेक्निक हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे सेल्फ में जो कोई नूडल्स या कोई फॉर्मेशन है कि नहीं। हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर अतीन बनर्जी। बेसिकली आज हम लोग एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, जो फीमेल ब्रेस्ट। ओके, तो फीमेल ब्रेस्ट हम लोग ऑलरेडी कैसे इनलार्जमेंट होता है, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए जो कैसे नेचुरली आपका इसको इनलार्ज किया जा सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी बहुत रिक्वेस्ट आया मेरे पास, जो सर कैसे रिडक्शन हो सकता है और इफ़ेक्टिव रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ कारण है जिसमें आपका ब्रेस्ट बढ़ सकता है, ब्रेस्ट हेवीनेस हो सकता है, और उसके साथ साथ और एक बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेस्ट सैगिंग। तो बहुत फीमेल का क्या होता है, ब्रेस्ट सैगिंग भी इतना ज़्यादा सैगिंग है, तो वो इतना, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को नहीं बताया जा सकता है, खुद अपने अंदर भी बात नहीं कर सकते। तो हम लोगों को पता है, जो अथीन्स को पता है, जो कैसे एक फीमेल साइकोलॉजी क्या होता है, क्या चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट भी आपका एक जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी के अंदर ब्रेस्ट भी आता है, क्योंकि होना चाहिए टाइटनिंग, टोनिंग, फॉर्मिंग होना चाहिए, जो आपका कितना क्या साइज़ है। तो हम लोग ये जो वीडियो दे रहे हैं हर किसी के लिए, ये फॉर पब्लिक अवेयरनेस ये वीडियो तैयार किया गया। एक तो है जो ब्रेस्ट क्यों बढ़ता है। ओके, तो एक तो है वज़न, अगर बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, अगर वज़न बढ़ेगा तो पहले आपका इस मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका बढ़ता है, जैसे आपका ओवरऑल बॉडी में आपका फैट डिपोजिशन होता है, उसके बाद क्या हुआ, पेट बढ़ गया, फिर हिप्स बढ़ गया, थाइस बढ़ गया, क्योंकि फैट डिपोट वो है। इसके साथ साथ एंडिंग में जाकर देखेंगे आपका ब्रेस्ट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड इसके साथ साथ फेस में भी फैट एक्युमुलेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग दे रहे हैं ब्रेस्ट कैसे रिडक्शन हो सकता है, ये नॉर्मल मैं एक प्लेन वीडियो बनाया, क्योंकि इसमें इसके अंदर भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग शेयर नहीं कर सकते। हाँ, तो वो अथीन्स का सीक्रेट टेक्निक है, जहाँ पे हम लोग 100% गारंटी देके आपका ब्रेस्ट रिडक्शन कराते हैं, क्योंकि बहुत कोई होता है जो प्रॉपर ब्रेस्ट केयर नहीं लेते, फीडिंग नहीं करवाते बच्चे को। तो जब आप बच्चे को प्रॉपर फीडिंग कराएंगे तो आपका ब्रेस्ट और भी सैगिंग नहीं होगा, और भी टाइटनिंग, टोनिंग, फर्मिंग होगा। अच्छा से बच्चे को फीडिंग कराने से आपका पेट भी अंदर जाता है। ओके, बॉडी में जैसे हम लोग देखते हैं जो एक्सिलरी जो ये पॉइंट है, आर्मपिट में हम लोग डीओ यूज़ करते हैं, या हम लोग कुछ स्प्रे यूज़ करते हैं फॉर आपका सेंट यूज़ करते हैं, तो ऐसा इसमें डायरेक्ट नहीं देना है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसके कारण आर्म्स जैसे बढ़ सकता है, वैसे ब्रेस्ट भी आपका बढ़ सकते हैं। प्रॉपर अंडरवेयर, ब्रेस्ट का जो जैसे आप ब्रा पहनते हो, तो हर बहुत किसी को मैं देखा, हाँ मैंने जो यंगस्टर है उन लोगों को मैं पूछा जो कैसा कितना साइज़ है, तो नीचे का साइज़ बता सकता है जो 36, 34, 40, बट काप साइज़ कितना होगा उसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो काप साइज़ भी आपका प्रॉपर चूज़ करना होगा, तो हम लोग ये वीडियो में दिखाएंगे कैसे काप साइज़ को चूज़ किया जाता है। ओके, हाय, तो अभी हम लोग आते हैं जो ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स में। तो ट्रीटमेंट करने से पहले कोई भी चीज़ का ग्रेड होता है, जो हम लोग जो काम करेंगे कितना आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो नंबर वन हम लोग जो देखेंगे, एक तो बल्क हम लोग देखेंगे, जो बल्क कितना है, तो ये आपका एक्स्ट्रा बल्क है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, एंड इसके साथ साथ ये बल्क को हमको रिड्यूस करना है, नंबर वन, इतना हमको कट करना है, नंबर वन। सेकेंड है जो लेंथ वाइज है, जो सैगिंग है, तो हम लोग देखेंगे जो हाइपोपोटोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो हाइपोपोटोसिस का ग्रेड 5 है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, तो इनका कितना आपका ग्रेड है। तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, जो मेजरमेंट लेंगे, तो जुगुलर नॉच आपका जो आता है इधर में, स्टर्नल नॉच, तो स्टर्नल नॉच से हम लोग क्या करेंगे, स्टर्नल नॉच से हम लोग नीचे का देखेंगे, जो राइट ब्रेस्ट का जो लेंथ है टिल आपका निपल तक, तो ये आपका नियर अबाउट 31 है। लेफ्ट आपका निपल का जो मेज़रमेंट आता है नियर अबाउट इसमें आपका, ये भी 31 है आपका, इन बिटवीन हम लोग देखते हैं, तो ये नियर अबाउट
आपका 23 सेंटीमीटर्स का आपका इनके ये निपल के साथ ये निपल का आपका 23 एक। तो हम लोग चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे टोटली, तो ऊपर का चेस्ट का जो आपका आर्मपिट जो है, आर्मपिट का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। तो ये आपका नियर अबाउट आपका 95 आपका सेंटीमीटर्स अभी आया। 4 इंच हम लोग निपल जो लेंथ है उसमें देखेंगे जो कितना आपका मेजरमेंट आ रहा है। तो इसमें नियर अबाउट आपका 110 आपका आपका आ रहा है अभी। ओके, तो फिर हम लोग जो करेंगे जो कितना कम ज़्यादा है क्या करेंगे, इस इधर में हम लोग इसको लिफ्ट करेंगे एंड इसको लिफ्ट करके अंदर तक हम लोग एक स्केल को घुसा देंगे। ओके, तो इनका जो निपल आपका साइज होना चाहिए वह ये जो निपल है इधर यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ये है आपका उनका निपल का साइज़ जो आना चाहिए एक नॉर्मल एज ए वुमेन, एक नॉर्मल एडल्ट का है। तो यहाँ से कितना इंच आपका नीचे है तो हम लोग देखेंगे जो हर इंच में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो हम लोग यहाँ से मेज़रमेंट लेंगे तो ये 2 इंच का आपका फ़र्क है। ओके, तो यहाँ से हम लोग 2 इंच का, तो ये ग्रेड 2 आपका इनका जो ब्रेस्ट का हाइपोपोटोसिस है ग्रेड 2 राइट, एंड यहाँ से भी नियर अबाउट 2 इंच का, तो 2 इंच का आपका आया। तो ये है ग्रेड 2 सैगिंग है। बाद हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे जो ब्रेस्ट में कोई लंप है या कुछ है, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत फीमेल करते हैं। तो हम लोग कोई भी काम करने से पहले एक बार हम लोग देख लेंगे जो यहाँ पे कोई लंप या कुछ है कि नहीं। ओके, हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे ये एरिया का। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन करने से पहले हम लोगों को जो थोड़ा सा मार्किंग करना है, तो हम लोग ऊपर के साइड से हम लोग जो देखते हैं वॉच हम लोग देखते हैं घड़ी। ठीक है, तो यहाँ आपका 12 o'clock है, ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सेल्फ एग्जामिनेशन धीरे धीरे हम लोग करेंगे। तो पहला है तो हम लोग देखेंगे कोई नूडल्स या कुछ है कि नहीं, तो हम लोग एक बार चेक कर देंगे। क्या करेंगे ये ओवरलैपिंग टेक्निक हम लोग करेंगे, तो या आपका ऐसे उंगली से आप रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखेंगे सेल्फ में जो कोई नूडल्स या कोई फॉर्मेशन है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देखेंगे साइड में। एक अच्छे से चेक करना है एंड पेशेंट को हम लोग सिखा भी देते हैं जो कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। एक नंबर 2 है, हम लोग देखेंगे यहाँ आपका 12 हुआ, ये आपका 12, ये 6, ये 3 एंड ये 9। तो यहाँ से ये जो कोना आपका आता है ये 7 o'clock है और ये 9 o'clock है। ठीक है, हर वुमेन को ये आपको थोड़ा सा जानना है ये 7 o'clock और ये 9 o'clock का। कोई भी नूडल्स या कोई भी आपका यहाँ पर अगर मास आपको निकलता है, हाँ जो हाँ यहाँ पे कोई आपका मस 7 o'clock और 9 o'clock के बीच में आते हैं, देन यू हैव टू कंसल्ट विथ रिस्पेक्टिव गायनोकोलॉजिस्ट और डॉक्टर। तो उसमें क्या होता है मे बी आपका मेमोग्राम आपको करना पड़ता है, मेमोग्राफी करना पड़ता है, मे बी ब्रेस्ट कैंसर या ऐसा कुछ हो सकता है अगर ये 2 जगह में मिले तो। हाँ ओके, तो ये बात आप नोट करके रख सकते हो। तो ये हम लोग देखते हैं। फिर सेल्फ एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं इन्फ्रारेड रेस से चेक करते हैं।